और जब मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई व्यवस्था में लीन हो गई, उन्होंने कुर्सी के साथ मुझे उठा के पटक दिया और साथ ही साथ जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैं कुछ सोच पाती तब तक उन्होंने लगातार मेरे ऊपर 5-7 झापड़ जो है लगातार मुझे थप्पड़ मारा, बाल मेरे खींचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज की जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस खबर को सुनने के बाद आप भी अचंभित हो जाइएगा कि अब बिहार में ये क्या हो रहा है। जी हाँ, महिला शिक्षिका के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। उस महिला शिक्षिका के ऊपर जो बीपीएससी फर्स्ट फेज में ही जिसने सफलता प्राप्त करके और बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। किसने किया है जानलेवा हमला, कौन है इसके पीछे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। नीतीश कुमार के कार्यकाल में, जिसे हम सुशासन की सरकार कहते हैं, उस सरकार में महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, नीतीश कुमार की काफी चर्चा की जाती है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, उस बिहार में एक महिला शिक्षक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। मामला है मोतिहारी का। जी हाँ, पूर्वी चंपारण मोतिहारी का यह मामला है। बंजरिया ब्लॉक से जुड़ा हुआ यह मामला है और बंजरिया ब्लॉक का एक स्कूल है, UHS उर्दू हाई स्कूल, जिसके सहायक शिक्षक आसिफ रजा ने वहां की बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर सरिता तिवारी के साथ आज 15 अक्टूबर को मारपीट किया है। आपको बताते चले कि जो महिला शिक्षिका है सरिता तिवारी, उन्होंने बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है। उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ है। उर्दू हाई स्कूल बंजरिया ब्लॉक में सिसवा, उर्दू विद्यालय सिसवा बंजरिया ब्लॉक में जो स्कूल है, उस स्कूल के जो सहायक शिक्षक हैं, जिनका नाम आसिफ रजा है, और वहां के जो हेडमास्टर हैं राजकुमार जी, महिला शिक्षिका ने कहा है कि राजकुमार जी ने इलीगल तरीके से आसिफ रजा को स्कूल का पूरा कमांड सौंप दी है और वो बार बार महिला शिक्षिकाओं को प्रताड़ित करते हुए रहते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ है, महिला शिक्षिका ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। इस मामले में थाने में FIR भी दर्ज हो गई है। SP महोदय ने भी संज्ञान लेने की बात की है। आपको बताते चले कि ये जो खबर है, इस खबर को लेकर के शहर में काफी चर्चा हो रही है। इन खबरों पर किन लोगों ने क्या कुछ कहा, उसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले जो महिला शिक्षिका हैं सरिता तिवारी जी, उनका ये बयान आप सुन लीजिए। मेरा नाम सरिता है, मैं UH सिसवा उर्दू बंजरिया ब्लॉक पूर्वी चंपारण से हूँ। मेरे पिताजी जो हैं उनका नाम M द्विवेदी है और मेरे साथ मेरे विद्यालय में UH सिसवा उर्दू बंजरिया ब्लॉक के तहत आता है पूर्वी चंपारण मोतिहारी। यहाँ पर बहुत शुरू से, जब से मेरी बहाली हुई है BPSC TRE 1 के थ्रू मेरी बहाली हुई है, और बहुत पहले से शिक्षकों द्वारा, पूर्व नियोजित शिक्षकों द्वारा, खास करके वहाँ के सहायक शिक्षक आसिफ रजा और हेडमास्टर राजकुमार सर के द्वारा मुझे बहुत शुरू से प्रताड़ित किया जा रहा है, अभद्र टिप्पणी की जा रही है और साथ ही साथ अश्लील कॉमेंट भी पास किए जा रहे थे, और इन्होंने मेरी कक्षाओं को अव्यवस्थित करने का हर संभव प्रयास किया। मैंने विद्यालय में बहुत ही निष्ठापूर्वक अपने काम किए जा रही थी, जो शायद उनको एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्शन दे रहा था। वहाँ पे हमारे हेडमास्टर ने बिल्कुल इलीगल तरीके से, मनमाने ढंग से आसिफ रजा सर, जो वहाँ के सहायक शिक्षक हैं, उनको अपना पूरा जो प्रभार या उनका कर्तव्य है, वो कर्तव्य जो हेडमास्टर का होना चाहिए, वो आसिफ रजा सर को मनमाने तरीके से सौंप दिया गया है, और वो विद्यालय को बहुत ही गंदी तरीके से, विद्यालय का मनमाने ढंग से संचालन करते हैं। वहाँ के स्थानीय निवासी हैं और उसका दबंगई और जो है वो जितने भी हम नए शिक्षक हैं उनके ऊपर दिखाते हैं, और मेरे साथ यह अभद्रता दिन प्रतिदिन बड़ी तेज़ी से बढ़ती गई। खास करके जब मुझे +2 का प्रभार नियुक्त किया गया, मैं शैक्षणिक गतिविधियों और अनुशासन को देख रही थी, और इससे बच्चे, गाँव के बच्चे, बड़े बच्चे, सबके सब का मुझे भरपूर सहयोग मिला और बच्चों ने मुझसे बहुत प्यार दिया। और तत्कालीन अगर मैं बात करूं तो आज 15 अक्टूबर 2024 को सुबह के समय आसिफ रजा सर ने एक मीटिंग जो है वो बुलाई, जिसमें हम सारे शिक्षकगण उपस्थित थे, और वहां पर उन्होंने कहा कि BPSC शिक्षकों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, और उन्होंने बकायदा मेरा नाम लेकर कि यहां पर जो मौजूदा हैं सरिता मैडम, इन ये तो बहुत ही
घटिया किस्म की व्यक्ति हैं, तब तक मैं वहाँ से उठकर चली गई, क्योंकि मैं उन लोगों से किसी से बात नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ। उन्होंने मनमाने ढंग से मेरे विद्यालय के मेरा जो कक्षा का रूटीन है वो मुझसे छीन कर अपनी कक्षाओं में मुझे भेजते हैं। मैं उनकी ही कक्षा कर रही हूँ, अपनी कक्षाएँ छोड़कर, बड़े मजबूरी में मैं अपनी कक्षा छोड़ के उनकी कक्षाओं को कर रही हूँ। सारा दिन वो हेड मास्टर साहब और आसिफ रजा सर बैठे रहते हैं, और मैं वहाँ से उठकर चली गई अपनी 11वीं की कक्षा लेने के लिए। और वहाँ पर मैं आई, पीछे से आसिफ रजा सर बहुत गंदी वाहियात गालियाँ, जो बहुत ही अशोभनीय और अभद्र है जी, उसको बोला नहीं जा सकता है, उस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मेरी कक्षा, जो कि सामने ही कॉरिडोर में ही जिसका संचालन हो रहा था, मुझे उठने को कहा। और जब मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई व्यवस्था में लीन हो गई, उन्होंने कुर्सी के साथ मुझे उठा के पटक दिया। और साथ ही साथ जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैं कुछ सोच पाती तब तक उन्होंने लगातार मेरे ऊपर 5-7 झापड़ जो है लगातार मुझे थप्पड़ मारा, बाल मेरे खींचे और मुझे इंजर्ड करने का पूरा प्रयास किया। ये पूरा विद्यालय परिसर में हुआ। ये बहुत ही दुखद और सदमे वाली घटना है जिससे मैं गुजर रही हूँ। पूर्व में भी इस तरीके की हरकतें जो है विद्यालय परिसर में की जा चुकी हैं। विद्यालय के जो फर्नीचर हैं उनको भी आसिफ रजा सर द्वारा कई बार उठा उठा के पटका फेंका गया है। विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पूर्व में भी उच्च अधिकारी जो है शिक्षा विभाग के, उनको मैं आवेदन दे चुकी हूं 2 बार, लेकिन उस पर कार्रवाई के ऊपर विचार चल रहा है। तो आज जब एक घटना हो रहा था, आसिफ रजा और आपके अलावा वहां पे और कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे? विद्यालय परिसर में थी, विद्यालय परिसर में ही हुआ है। पूरे बच्चे, पूरे शिक्षक, सबके सामने ये घटना जो है वो की गई है। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया आपको? जी, बचाने का प्रयास जो है, वहाँ से अभी टीचर लोग उठे थे तब तक ये घटना को अंजाम दे चुके थे, और उसके बाद वहाँ से मैं निकल कर आ गई अपने घर पे, पिताजी को ये सारी घटना बताई। और जी मैंने क्या शिकायत जो है वो दर्ज करा दी है महिला थाना में? जी हाँ, मैंने महिला थाना में शिकायत जो है वो दर्ज करा दी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में बिहार की जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि सरकार जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्लोगन दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो ले रही है, लेकिन वर्किंग प्लेस में उनके साथ इतना अभद्र, इतना अश्लील व्यवहार किया जा रहा है कि हमारी सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। ना हम विद्यालय में ठीक तरीके से काम कर सकते हैं, ना हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या है, कुछ लोगों का एक मोनोपोली, एक डिक्टेटरशिप है। हमें लगता नहीं है कि हम सरकार को सर्विस दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बिहार के भविष्य को संवार रहे हैं। हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई है, बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ते जोड़ते हमको मुख्य धारा से काट दिया गया है। इतना अभद्र व्यवहार आज मेरे साथ किया गया है, और मैं चाहूँगी कि इसमें जो दोषी शिक्षक हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए, उनका तत्काल निलंबन किया जाए, और जो भी विभागीय कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो पूरे विद्यालय को उन्होंने पूरा प्रदूषण फैला दिया है। इस तरीके का आज हुआ है, माहौल खराब हो गया है, पूरा माहौल खराब हो चुका है, विद्यालय का पूरा माहौल खराब है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो महिला शिक्षिका है सरिता तिवारी, वो किस तरह से जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो इन सारी बातों को बता रही हैं। देखिए, बिहार में ये पहली बार नहीं हुआ है, अभी तक लगभग 8 महिला शिक्षिकाओं ने सुसाइड कर लिया है। ये भी खबर कुछ दिनों में छनकर आपके सामने आएगी, उसमें मोतिहारी, दरभंगा तमाम ऐसे जगह हैं जहां से महिला शिक्षिका किसी न किसी तरह के उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये एक चिंता का, गहन चिंता का विषय है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि जिस तरह से आज एक BPSC क्वालिफाइड महिला शिक्षिका, जो +2 की शिक्षिका हैं, वो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उर्दू हाई स्कूल में आसिफ रजा ने जो उनके साथ ये घिनौना करतूत किया है, क्या ये इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो नए BPSC क्वालिफाइड शिक्षिका हैं, जो स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है? उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? महिलाएं शिक्षिका समय पर स्कूल पहुंचे, शिक्षकों को लेकर के तमाम तरह के न्यूज आप देखते होंगे जिसमें बातें चलती रहती है कि समय पर स्कूल आना है, अटेंडेंस बनाना है। मैंने देखा है महिला शिक्षिका 40-40 किलोमीटर दूर ट्रेन पकड़ करके जा रही हैं, स्कूल
समय पर पहुंचने के लिए, और वैसे स्थिति में उन्हें अकेले जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों के बावजूद उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अगर समय पर वो स्कूल नहीं पहुंचती हैं तो उनका अटेंडेंस काट लिया जाता है, लेकिन उनके साथ अगर अभद्रता होता है, स्कूल के पुराने शिक्षक मनमानी करते हैं, उनके साथ घिनौना करतूत करने का प्रयास करते हैं, तो उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सुशासन के सरकार पर एक सवाल खड़ा होता है, नीतीश बाबू के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है, प्रशासन के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। हम भी फाइनल पोस्ट की पूरी टीम जिला प्रशासन से यह मांग करती है कि आसिफ रजा जैसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाए, ताकि महिला शिक्षिका जो पढ़ाने का काम कर रही हैं उनका मनोबल बढ़ता रहे और वो बच्चों को जिस तरह का मार्गदर्शन दे रही हैं, बच्चों को पढ़ाने का जो काम कर रही है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आए। सर को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। आज एक महिला शिक्षक सरिता जो जिसके साथ सहायक शिक्षिका आसिफ रजा ने अभद्र व्यवहार किया है, और हम लोग महिला सशक्तिकरण महिला आरक्षण की बात करते हैं, और उस राज्य में महिलाओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि शिक्षा विभाग के लापरवाही से पिछले 6 महीने में 8 महिलाओं ने खुदकुशी कर ली है। तो बड़ी स्थिति, सामाजिक स्थिति चिंतनीय है, और इसमें समाज को, प्रशासन को, सबको, तंत्र को जागरूक होना पड़ेगा। और हम ऐसा करते हैं कि इस प्रकरण पर उचित कार्रवाई की जाए। अमूमन बिहार में इस तरह की बहुत सारी खबरें चल रही हैं। इस मामले में भी फाइनल पोस्ट की टीम जिला एसपी महोदय से, डीओ महोदय से और जिला अधिकारी महोदय से ये मांग करती है कि आसिफ रजा जैसे शिक्षकों के ऊपर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाए, ताकि महिला शिक्षिका के ऊपर आगे चल करके इस तरह की कोई घटिया करतूत करने का काम नहीं करे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।